अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 शुरू करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो ऐसे चार्जेस के मुतालिक है जो रेस्ट में हों, ठीक है। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। रेस्ट में चार्जेस हों तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है। अब है द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, अब चार्जेस रेस्ट में नहीं है बल्कि ये मूव कर रहे हैं, तो जब चार्जेस मूव कर रहे हों तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में इन्हें स्टडी किया जाता है, ठीक है। दे स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन है करंट की। करंट को हम देखते हैं कि करंट क्या है। कि जब भी हम कोई मेटल कंडक्टर लेते हैं उसमें देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उसमें रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जैसा कि ये एक मेटल कंडक्टर है जिसमें ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं और ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसे रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी अगर हम ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं ये रेड कलर का, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड राइट को जा रहे हैं उतने ही लेफ्ट को चले जाते हैं, तो टोटल करंट इसमें ज़ीरो है। इसमें किसी किस्म का कोई करंट नहीं है, हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। करंट क्या होता है? करंट होता है कि चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। कि किसी भी कंडक्टर के एरिया में से जो चार्जेस पर सेकेंड फ्लो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड करंट। यानी करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट प्रोड्यूस होता है चार्जेस के फ्लो करने की वजह से। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पर यूनिट टाइम जो चार्ज फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम कंसीडर करते हैं कि किसी कंडक्टर में डेल्टा क्यू चार्ज, ठीक है, ये चार्ज है डेल्टा क्यू चार्ज, वो डेल्टा टी टाइम में फ्लो करता है, ठीक है। तो करंट क्या होगा? आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ये फार्मूला है। जैसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कि किस रेट पर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी कि ये देखना है कि चार्ज एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, रैंडमली मूव ना कर रहा हो। आप देखें इसमें रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो जितने चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में एक सेकंड में राइट साइड को चले जाते हैं उतने ही एक सेकंड में लेफ्ट साइड को आ जाते हैं, लिहाजा जहाँ पर कोई करंट नहीं है। करंट उस वक्त होगा जब ये चार्जेस यूनि डायरेक्शनल होंगे, एक डायरेक्शन में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहे होंगे, और पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो करेगा वो करंट कहलाता है। अब करंट के यूनिट्स देखते हैं कि यूनिट क्या है। यहाँ से देखें आई इज इक्वल डेल्टा क्यू ओवर टी। डेल्टा क्यू से मुराद क्या है? चार्ज है, ठीक है। चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, और टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड। कूलम सेकंड इनवर्स, और इसको कहते हैं एम्पेयर, ठीक है, एम्पेयर। ये करंट के यूनिट हैं। इसे हम कैपिटल ए से ज़ाहिर करते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए एब्रिविएशन के तौर पर लिखेंगे तो कैपिटल ए से लिखेंगे। अगर पूरा लिखेंगे तो संभाल ए से एम्पेयर लिखेंगे। तो एम्पेयर इज़ द यूनिट ऑफ करंट। एम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे? कि व्हेन वन कूलम चार्ज पासेस थ्रू ए कंडक्टर इन वन सेकेंड देन करंट थ्रू द कंडक्टर इज इक्वल टू वन एम्पेयर। अगर एक कूलम चार्ज एक सेकंड में फ्लो करे तो करंट एक एम्पेयर के बराबर होगा।
लिख सकते हैं हम व्हेन वन कॉलम चार्ज फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर इन वन सेकेंड, इन वन सेकेंड देन करंट इज वन एम्पियर। करंट कितना होगा? एक एम्पियर के बराबर होगा जब एक कूलम चार्ज एक सेकेंड में फ्लो करे। अब एक कूलम चार्ज कितने चार्जेस के बराबर होता है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू एन ई, चार्ज है वो एन ई के बराबर है। एन से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई से मुराद है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1.6 × −19 कूलम। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इतने कूलम चार्ज होगा, ठीक है। अगर एक नहीं है, ज़्यादा है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल चार्ज आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स का। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हों तो फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। यानी चार्ज जो है वो चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं, यानी 1 कूलम चार्ज है डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कूलम कूलम से कैंसिल हो जाएगा, इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, या आप इसे चार्जेस भी कह सकते हैं कि एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वन कूलम चार्ज कंटेन 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻¹⁹ चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि आप एक एम्पियर को हम डिफाइन इस तरह भी कर सकते हैं, जब 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन किसी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक सेकंड में गुजरें तो चार्ज एक करंट जो है वो एक एम्पियर के बराबर होगा। इसको भी आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखेंगे। करंट की ये इसमें कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, कि हम कन्वेंशनल करंट किसे कहते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी ये दो किस्में कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट दैट करंट विच फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। करंट विच फ्लोज फ्रॉम, ऐसे भी लिख सकते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या आप इसे कह सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करे, उसे कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। यानी मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक बैटरी है, तो इसे हम एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देते हैं, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, इस करंट को कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। एक्चुअली हम जानते हैं कि करंट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से करंट होता है, जबकि जहाँ पर दिखाया गया है कि पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन्स की वजह से ये करंट फ्लो कर रहा है। ये ओल्ड साइंटिस्ट जो थे उन्होंने, उनके मुताबिक करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, लिहाजा आज भी हम वही डायरेक्शन ले रहे हैं करंट की, कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल करंट की। कन्वेंशनल से मुराद ये है कि रिवायती करंट जो रिवायतन चला आ रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, लेकिन आज ये भी साबित हो चुका है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होते हैं, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करें तो जितना करंट उनकी वजह से होगा, तो उतने ही अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो करें तो ये करंट दोनों की वजह से बराबर होगा। तो
इसलिए भी हम ये कन्वेंशनल करंट लेते हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम यही लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। एक्चुअली जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो, स्पेशली इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक करंट, और बाकी जो करंट है वो कन्वेंशनल करंट कहलाएगा। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, उनमें करंट जो है वो डिफरेंट होता है। मसलन हम अगर कंडक्टर लेते हैं तो इसमें करंट जो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स वो करते हैं कंडक्टर में, ठीक है। अगर हम इसके मुकाबले में कोई इलेक्ट्रोलाइट लाइट लेते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट में आइंस की वजह से करंट होता है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। तो इलेक्ट्रोलाइट में करंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की वजह से होता है, जबकि जो गैसेस हैं उनमें करंट किस वजह से होता है, गैसेस इनमें करंट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आइंस। पॉजिटिव आइंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गैसेस में करंट होता है। ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, उनमें करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और जो गैसेस हैं उनमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आइंस की वजह से, जबकि इलेक्ट्रोलाइट में दोनों की वजह से, दोनों आइंस की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करता है। अब कंडक्टर में जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अब देखें जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन क्लोजली बाउंड होते हैं, जो इनर शेल्स में होते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट में कोई हिस्सा नहीं लेते। करंट जो कंडक्टर्स में होता है वो ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्टर में इजीली मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि जहाँ पे दिखाया गया है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मूव करते हैं जो लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है, वो फ्री टू मूव होते हैं, लिहाजा वो मूव करते हैं कंडक्टर में, जिनकी वजह से करंट उसमें फ्लो करता है। तो ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी करंट क्या है, करंट किस वजह से प्रोड्यूस होता है, और डिफरेंट थिंग्स में करंट किस वजह से फ्लो करता है। तो अब हम देखते हैं करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर, एक मेटालिक कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है। फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है। अभी एक फिग जो बनाई थी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया सेंटर में हम ले लेते हैं ये वाला, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन इसमें रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई किसी साइड पर जा रहे हैं, कोई किसी साइड, मतलब ये इसकी साइड ये है, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह रैंडमली मूव करते हैं, और जब रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो इनकी जो वेलोसिटी है वो सेवरल हंड्रेड किलोमीटर्स होती है, सेवरल हंड्रेड
किलोमीटर्स। ठीक है, जब रैंडमली मूव कर रहे होते हैं इन इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी सेवरल हंड्रेड किलोमीटर या 10^6 मीटर पर सेकेंड तक हो सकती है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, 10^6 मीटर पर सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की, सेवरल हंड्रेड किलोमीटर तक इनकी स्पीड हो सकती है जब ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो फ्लो ऑफ करंट है वो मेटालिक कंडक्टर में कैसे होता है? अब जब रैंडमली मूव कर रहे हैं तो इसमें करंट तो नहीं है, क्योंकि रैंडम मोशन है इनकी कि जितने राइट की तरफ आ रहे हैं उतने लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लिहाजा इसमें कोई करंट नहीं है। इसमें करंट उस वक्त प्रोड्यूस होगा जब हम इसे ये बैटरी अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? जब हम इसे ये बैटरी अप्लाई कर देते हैं उस वक्त इसमें करंट जो है वो फ्लो करेगा। ये देखिए, ये हमने बैटरी लगा दी इसके साथ, तो जैसे बैटरी हम इसे अप्लाई करेंगे तो अब कंडक्टर के अक्रॉस ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इस तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा ये कंडक्टर के अंदर, ई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहे थे ये रैंडमली मूव नहीं करेंगे, अब ये एक खास डायरेक्शन में मूव करेंगे और इनके मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू ई होगी, यानी इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में माइनस ई की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पर है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जो है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को इधर से पुश करेगा और ये इस तरह पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। अब ये जो रैंडमली मूव कर रहे थे इनकी मोशन अब रैंडम नहीं होगी, आप ये खास डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसा कि ये है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस डायरेक्शन को मूव करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन को मूव करेगा, सिमिलरली ये भी ऐसे मूव करेगा, ये भी अपने डायरेक्शन को एक साइड पे कर देगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इसकी डायरेक्शन तो सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे। ये डायरेक्शन है इनके मूवमेंट की, इलेक्ट्रॉन्स की, ये ऐसे मूव करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, सबके डायरेक्शन एक ही होगी। अब इस मेटालिक कंडक्टर में ये मूव करेंगे और ये याद रखें कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं होंगे। क्यों एक्सेलरेट नहीं होंगे? कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे तरह मूव करेंगे तो ये उस लेटेस्ट के एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी मटेरियल है उसमें एटम एक ही जगह पर फिक्स नहीं होते, वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी कि उनके टू एंड फ्रो मोशन होती है। अब ये मसलन इसके आगे जहाँ पर कोई एटम मौजूद है ये इस तरह वाइब्रेट कर रहा होगा, ये किसी और डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर सकता है, यानी कि ऐसे भी वाइब्रेट कर सकते हैं, ये एटम जहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होंगे, ये एटम। ठीक है, तमाम एटम जो है वो अपनी अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे होंगे और उनकी डायरेक्शन जो है वाइब्रेशन की वो डिफरेंट हो सकती है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये इन एटम के साथ टकराएंगे, क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा एटम्स के साथ और अपनी कनेटिक एनर्जी ये एटम्स को दे देंगे। जैसे ही अपनी कनेटिक एनर्जी एटम्स को देंगे तो एटम्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कि पहले वो थोड़े फासले में वाइब्रेट कर रहे थे, यानी इतने फासले में फर्ज करें ये एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, अब इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जहाँ तक चला जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा, ज़्यादा एम्पलीट्यूड में ये वाइब्रेट करेंगे। अब जाहिर है कि जितने ज़्यादा एम्पलीट्यूड में ये एटम वाइब्रेट करेंगे उतने ज़्यादा कोलिजन के चांसेस होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये एटम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इनका बढ़ जाएगा और कोलिजन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन ये एक्सेलरेट नहीं होते बल्कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते हैं,
इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि इसके साथ ये मूव करेंगे और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बहुत कम होती है, 10^-3 मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे तरफ ऐसा ऐसा मूव करेंगे, आगे तरफ ड्रिफ्ट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो ये देखें, अब ये बहुत स्लोली आगे जा रहे हैं। 10^-3 मीटर पर सेकेंड से मुराद क्या है कि 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी है। मिलीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर है उसमें ये 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें 1 मिलीमीटर कम कितना कम है। तो ये इस रफ्तार से आगे जाएंगे कि 1 मिलीमीटर जितना फासला 1 सेकंड में तय करेंगे। ऐसा ऐसा ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे और सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये अब यूनि डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब इसमें कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। जब ये रैंडमली मूव कर रहे थे यानी कि सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे थे तो करंट नहीं था, अब इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो करंट है। अब देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस है वेलोसिटीज का, कि सेवरल 100 किलोमीटर बल्कि एक गीगा मीटर पर सेकंड का जो है ये डिफरेंस आ रहा है, 10^9 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। ये है फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर। एक मेटालिक कंडक्टर में करंट किस तरह फ्लो करता है, तो इस तरह जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उस वक्त ये चार्जेस जो है एक ही साइड की तरफ मूव करेंगे और करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब करंट प्रोड्यूस कब होता है, जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करें, हम कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे। ठीक है, तब करंट इसमें फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा करंट फ्लो करता रहेगा, जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा करंट भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हमें करंट के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए होता है। ठीक है, तो करंट के जो सोर्सेज हैं वो किसी ना किसी किस्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करता रहता है। तो अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ करंट। सोर्सेज ऑफ करंट यानी कि ये किसी किस्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दोज डिवाइसेज विच कन्वर्ट सम काइंड ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ करंट। तो चांद एक सोर्सेज हैं करंट के, वो हम देखते हैं। पहला जो सोर्स है वो है सेल और बैटरी भी कहते हैं सेल को। और ये दो किस्मों के होते हैं, एक सेल होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो होता है जिसे चार्ज नहीं किया जा सकता और सेकेंडरी सेल वो होता है जिसे हम चार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल कैन नॉट बी चार्ज, इसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ये सेकेंडरी सेल कैन बी चार्ज, इसको चार्ज किया जा सकता है। जैसे कि यूपीएस के साथ बैटरी इस्तेमाल करते हैं, ये चार्ज होती रहती है। इसी तरह मोबाइल की बैटरी है, ये चार्जेबल है, सेकेंडरी सेल है। सिमिलरली और भी बहुत सी अप्लायंसेज हैं जिनमें हम सेल और बैटरी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गाड़ी में जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो चार्जेबल होती है, वो सेकेंडरी सेल होता है, उसे हम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन कुछ बैटरीज ऐसी होती है जिन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते, बस हम बच्चों के खिलौनों में सेल डालते हैं, तो ये चार्जेबल भी हो सकते हैं और नॉन चार्जेबल भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर इनमें चार्जेबल नहीं होते,
घड़ी में सेल डालते हैं, वॉल क्लॉक में सेल डालते हैं, ये भी चार्जेबल नहीं होता। ये सेल में केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल का काम क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये करंट के सोर्स हैं। नेक्स्ट सोर्स जो करंट का है, दैट इज जनरेटर। जनरेटर ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब जनरेटर किस चीज़ से चलाया जाए, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम जनरेटर को पेट्रोल से चलाएं, ठीक है, हम इसे डीजल से चलाएं, हम इसको गैस से चलाएं, ठीक है, या टरबाइन की मदद से इसको चलाएं, यानी कि वाटरफॉल की मदद से भी चला सकते हैं। वाटरफॉल जो है टरबाइन को चलाएगी और टरबाइन जो है वो जनरेटर को चलाएगी। तो इस तरह ये सारी मैकेनिकल एनर्जीज हैं, मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एनर्जी ये जनरेटर की पैदा करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जितने हमारे ये डैम्स वगैरह हैं वहाँ पर बड़े हैवी किस्म के जनरेटर लगे होते हैं। वाटरफॉल के ज़रिए टरबाइंस को चलाया जाता है, टरबाइन जनरेटर को चलाती हैं और जनरेटर बिजली प्रोड्यूस करते हैं जो हम यूज़ करते हैं घरों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में और कहीं भी। ठीक हो गया, ये जनरेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तीसरे नंबर पे है थर्मोकपल। थर्मोकपल जो है ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है थर्मोकपल के जरिया। थर्मोकपल दो डिफरेंट मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, जब इन्हें हीट अप किया जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। ये बड़े पैमाने पर तो यूज़ नहीं होते, तजुर्बाती तौर पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आज लास्ट वन फोर्थ नंबर पे सोलर सेल्स। सोलर सेल्स या हम इन्हें कहते हैं फोटोवोल्टेक सेल। ये बहुत कॉमन है आजकल यूज़ में। सोलर सेल लाइट एनर्जी कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है सोलर सेल्स के जरिए। एक सोलर सेल तकरीबन 0.5 वोल्ट का होता है। तो ये नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में या पैरेलल लगाए जाते हैं और इनके पैनल्स बनाए जाते हैं। और ये जो सोलर प्लेट्स हैं, ये सोलर के पैनल्स ही हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं और ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये एक ये भी बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का जो आजकल बहुत कॉमन यूज़ में है, हर शख्स इसे इस्तेमाल कर रहा है घरों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, बल्कि जो ट्यूबवेल वगैरह हैं वो भी इससे चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह ये कहीं भी करंट को मेंटेन रखना हो उसके लिए करंट के सोर्स का होना ज़रूरी है। जब तक सोर्स नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो सोर्स का काम है कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करता रहता है। तो ये हमारे पास चार किस्म के सोर्सेज हैं करंट के। इन सोर्सेज से हम करंट हासिल करते हैं।
ये सोर्सेज डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम करंट के इफेक्ट्स पढ़ते हैं। करंट जो है वो अपने इफेक्ट से पहचाना जाता है। मसलन किसी जगह पर एक वायर पड़ी हो तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें करंट है या नहीं है? या तो हम उसे हाथ लगाएं फिर तो पता चल जाएगा इसमें करंट है या नहीं है, या तो ऐसा भी हो सकता है हम बता भी नहीं पाएंगे इसमें क्या था। लिहाजा करंट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय इट्स इफेक्ट। करंट को इसके इफेक्ट से पहचाना जाता है। जैसा कि ये चांद एक इफेक्ट हैं करंट के, हीटिंग इफेक्ट पहला इसका इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट। करंट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय इट्स हीटिंग इफेक्ट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें से करंट गुजरता है तो वो हीट अप हो जाती हैं। जैसा कि फिलामेंट बल्ब है तो ये हीट अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, ग्लो करने लगता है। इस तरह हीटिंग इफेक्ट करंट का हम यूज़ करते हैं हीटर में, ओवन में, टोस्टर, सैंडविचर, आयरन और इलेक्ट्रिक केटल, इनमें करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज़ होता है। और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका ये फार्मूला है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर आई इज करंट, आर इज रेजिस्टेंस एंड टाइम, टी इज टाइम कि कितने टाइम के लिए उस रेजिस्टेंस में से कितना करंट गुजरा है, तो वो एच के बराबर है, हीट के बराबर है। तो हीट हम हीटर में हीटिंग इफेक्ट इस्तेमाल होता है, ओवन, सैंडविचर या इलेक्ट्रिक केटल, चायदानी जो बिजली की है इसमें हीटिंग इफेक्ट इस्तेमाल होता है, आयरन इस्त्री में भी हीटिंग इफेक्ट इस्तेमाल होता है। तो पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग की वजह से, हीट की वजह से करंट जो है वो पहचाना जाता है। दूसरे नंबर पर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट से पहचाना जाता है। जितने भी करंट मेजरिंग डिवाइसेज हैं या करंट की डिटेक्शन के लिए जो डिवाइसेज इस्तेमाल होते हैं उनमें करंट का हीटिंग इफेक्ट इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, जितने भी घूमने वाली चीज़ें हैं जैसा कि सीलिंग फैन, पेडेस्टल फैन और पानी वाला पंप मोटर वगैरह, इनमें हीट मैग्नेटिक इफेक्ट इस्तेमाल होता है। ये गैल्वेनोमीटर जैसा है, जैसे गैल्वेनोमीटर है ये करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ओममीटर रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए, एम्पियर मीटर करंट की मेजरमेंट के लिए, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट के लिए ये आला इस्तेमाल होता है। इसमें करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट इस्तेमाल होता है। हम जानते हैं कि जब किसी भी वायर में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है जिसे हम बी से जाहिर करते हैं। जब करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करते हैं करंट पर कि कितना करंट गुजर रहा है उसमें से। जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कि वायर से कितना फासला है जिस जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर रहे हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिहाजा हम इन दोनों कंबाइन कर लिख सकते हैं B इज प्रोपोर्शनल टू आई ओवर आर कि जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, और जितना हम इसके करीब होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, जितना दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का कि काफ़ी सारी एप्लायंसेस में करंट को हम रिकग्नाइज करते हैं ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट है केमिकल इफेक्ट। करंट का केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट से भी करंट की पहचान होती है, जो कि बैटरीज में, सेल में केमिकल इफेक्ट इस्तेमाल होता है और इस केमिकल इफेक्ट की वजह से हमें पता चलता है यहाँ पे करंट है या नहीं। मसलन ये हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी का जो ये कंटेनर होता है इसे वोल्टामीटर कहा जाता है, ठीक है, और इसमें जो ये लिक्विड मौजूद होता है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इस बैटरी के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव है उसे एनोड कहा जाता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। तो जब हम इसके एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो बल्ब वगैरह लगाते हैं, तो इसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं।
ये केमिकल रिएक्शन इसमें होगा, ये इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। जबकि ये डिल्यूटेड फॉर्म में इसमें कापर सल्फेट का सोल्यूशन मौजूद है, कापर सल्फेट। जब इसमें केमिकल इफेक्ट होगा तो कापर में ये कापर आयन, कापर सल्फेट में कापर आयन अलहदा हो जाएंगे और सल्फेट आयन अलहदा हो जाएंगे। कापर यानी कि ये क्यूप्रेस आयन है, ये सल्फेट आयन, ये अलहदा अलहदा हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये जो कापर आयन है पॉजिटिव जिस पर चार्ज है वो मूव करता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कैथोड की तरफ मूव करता है। कैथोड पर जब ये क्यूप्रेस आयन आता है तो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है और कापर में तब्दील हो जाता है एंड विल डिपॉजिट ऑन द कैथोड, और ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पर जमा हो जाता है। सिमिलरली जो सल्फेट आयन है नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कि एनोड की तरफ मूव करता है। एनोड के करीब जब पहुंचता है तो एनोड से क्यूप्रेस आयन जो है वो वहाँ से डिसोसिएट होकर वो इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है, और यहाँ पर सल्फेट आयन जो है वो कापर के आयन के साथ मिलकर कापर सल्फेट बना देता है। तो इस तरह इलेक्ट्रोलाइट की जो मिकदार है उसमें कोई कमी या ज़्यादती नहीं आती, उसकी मिकदार इस वोल्टामीटर में बराबर रहती है। यानी कैथोड पर कापर डिपॉजिट हो जाता है, एनोड से कापर जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है। तो ये आयन आयनिक फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर सल्फेट आयन जैसे ही आता है ये आयनिक फॉर्म सल्फेट आयन के नेगेटिव आयन के साथ मिलकर कापर सल्फेट बना देता है। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है और ये केमिकल इफेक्ट है करंट का। केमिकल इफेक्ट जो करंट का ये है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक चीप मेटल के ऊपर कास्टली मेटल की लेयर चढ़ाते हैं। जैसा कि चांदी के जेवरात हैं उनके ऊपर सोने की तह चढ़ा दी जाए, ये प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाते हैं। और ये इस वोल्टमीटर के ज़रिए किया जाता है कि चीप मेटल पर कास्टली मेटल की एक लेयर चढ़ा देती है। ये करंट के इफ़ेक्ट्स हैं जिनकी वजह से करंट को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है कि करंट अब यहाँ से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। ठीक है, अगर कोई कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको आंसर उसका मिल जाएगा। थैंक यू।